दोस्तों, क्या आप MWP एक्ट के बारे में जानते हैं? शादी के बाद महिला की सैलरी, कमाई, प्रॉपर्टी, निवेश या सेविंग पर हक किसका रहता है, पति का या पत्नी का? दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से MWP एक्ट 1874 को संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। अगर आप MWP एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें, खास करके महिला, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं के लिए MWP एक्ट बनाया गया है और इस एक्ट में विवाहित महिलाओं की संपत्ति से जुड़े कई अधिकारों का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अगर आपको MWP एक्ट की जानकारी हो जाए तो किसी भी विवाद से बच सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी में कलेश होता रहता है, आखिर क्यों? जानकारी के अभाव के कारण। पति सोचता है कि पत्नी की कमाई या प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। इसके अलावा भी कई कारण हो सकता है झगड़े का, जैसे कि पत्नी ने अपना कमाई मायके में दे देता है, तो इस प्रकार के पति पत्नी में हमेशा कलेश होता रहता है। दोस्तों, इस तरह के कलेश से बचना है तो इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1874 धारा 4 में साफ साफ लिखा गया है कि विवाहित महिला की कमाई या उसकी निजी संपत्ति, जैसे कि निवेश, सेविंग, सैलरी, प्रॉपर्टी या फिर ब्याज पर सिर्फ महिला का हक है। महिला की किसी भी कमाई पर पति का हक नहीं है, ना ही हिस्सेदारी है। शादी के पहले की कमाई या शादी के बाद की कमाई सिर्फ और सिर्फ महिला का हक है। इसमें एक चीज लिखा गया है कि पत्नी अपनी इच्छा से ब्याज की कमाई पति को दे सकता है, महिला के कमाई पर पति जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर शादी पर महिला को किसी प्रकार का गिफ्ट मिलता है तो उस पर भी सिर्फ महिला का अधिकार है, पति दावा नहीं कर सकता है। पत्नी अगर चाहे तो अपनी इच्छा से किसी को तोहफे में दे सकती है। दोस्तों, MWP एक्ट की धारा 6 में कहता है, पति अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और इसमें नॉमिनी पत्नी और बच्चों को रखता है तो उसका फायदा पत्नी और बच्चों को ही दिया जाता है, लेकिन पत्नी का जीवन बीमा उसके निजी संपत्ति मानी जाती है। इसमें एक चीज का प्रावधान है, अगर पति के पैसे से पत्नी का जीवन बीमा लिया गया है और नॉमिनी में पति है तो इसका फायदा पति को ही दिया जाएगा, लेकिन पॉलिसी लेते समय फॉर्म भरना होगा, अभी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में बताना चाहता हूं कि पत्नी ने किसी से कर्ज या लोन लिया है तो शादी के बाद पति उस कर्ज का जिम्मेदार नहीं होगा, पत्नी ही वह कर्ज खुद चुकाएगी। तो दोस्तों, यह थी MWP यानी मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की कुछ जानकारी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।